केजरीवाल सहित आप नेताओं से होती थी बात, बनूंगा सरकारी गवाह, सुकेश ने गृह मंत्रालय को लिखा लेटर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। सैकड़ों करोड़ की धोखाधड़ी करने के आरोप में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एक और लेटर बम फोड़ा है। सुकेश ने दिल्ली आबकारी घोटाले की जांच में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। इसे लेकर उसने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पत्र में उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित आप नेताओं से बातचीत होने का दावा किया है। सैकड़ों करोड़ की धोखाधड़ी करने के आरोप में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली आबकारी घोटाले की जांच में शामिल होने की इच्छा जताई है। इस सिलसिले में उसने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने इसी मामले में गिरफ्तार किया है। सुकेश ने व्हाट्सएप चैट सबूत के रूप में गृह मंत्रालय को भेजा। गृह मंत्री को लिखे पत्र में सुकेश ने व्हाट्सएप पर होने वाले संवाद का स्क्रीनशॉट शामिल किया है। जिन लोगों के साथ उसकी बातचीत होती थी उनमें भारत राष्ट्र समिति की एमएलसी के कविता, दिल्ली के पूर्व मंत्री सतेंद्र जैन और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शामिल हैं। सुकेश के अनुसार चैट में कथित तौर पर नगद लेनदेन का विवरण दिया गया है। इसमें पैसे के लिए घीटिन का कोड वर्ड इस्तेमाल किया गया है। 1 करोड़ रुपए के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। सुकेश ने दावा किया है कि कविता के निर्देशों के बाद हैदराबाद में उसके कर्मचारियों द्वारा नकदी एकत्र की गई थी। इस राशि को बाद में दिल्ली और गोवा भेज दिया गया था। सुकेश का कहना है कि इस बातचीत से लेनदेन में के कविता, सतेंद्र जैन और केजरीवाल की संलिप्तता के पर्याप्त सबूत मिलते हैं। तिहाड़ जेल में हिरासत में है दिल्ली सीएम। उल्लेखनीय है कि दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च की शाम को पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। तब से वो हिरासत में है। दिल्ली की मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने फिर से लेटर बम फोड़ा है। सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कविता और सतेंद्र जैन पर कई आरोप लगाए हैं। महाठग ने केजरीवाल सरकार पर शराब घोटाला करने का दावा किया है। उसने व्हाट्सएप चैट सबूत के रूप में गृह मंत्रालय को अपने वकील के माध्यम से भिजवाया है। सुकेश ने यह पत्र 15 अप्रैल को लिखा था जिसे उसके वकील ने शनिवार को गृह मंत्रालय को भेजा है। सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि उसके स्टाफ ने हैदराबाद में के कविता से कैश लिया और फिर उस कैश को सतेंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और गोवा में ट्रांसफर कर दिया। सुकेश ने आगे लिखा है कि चेक के दौरान अमाउंट के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया था जिसे घीट इनका नाम दिया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।